कोलकाता कांड के विरोध में जगह जगह धरना। टीएमसी आज राज्य के सभी ब्लॉक में करेगी प्रदर्शन। बीजेपी का धमतल्ला पर लगातार चौथे दिन प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम भी आज सीबीआई के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। देश को आज 3 वंदे भारत ट्रेन की और मिलेंगी सौगात। पीएम मोदी दोपहर 12:30 वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मेरठ से लखनऊ, चेन्नई से नागरकोइल और बेंगलुरु से मदुरई रूट पर चलाई जाएंगी ट्रेनें। केरल के पालक्कड़ में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। बीजेपी के नए अध्यक्ष, महिला सुरक्षा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भी होगी चर्चा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने चंपाई सोरेन की जासूसी करवाने के मामले में झारखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा, चंपाई सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर 6 महीने तक रखी गई निगरानी, 2 महीने में मिलेगा करारा जवाब। यूपी के लखीमपुर खीरी और सीतापुर में बाघ का आतंक। लखीमपुर खीरी में बाघ ने 4 लोगों को बनाया शिकार। सीतापुर में कई मवेशियों पर हमला। बहराइच में भी भेड़िए को पकड़ने को लेकर चलाया जा रहा ऑपरेशन। मुंबई रोड रेज में ओला ड्राइवर की पिटाई का मामला। घटना के 10 बाद पुलिस ने दर्ज की FIR। ऑडी कार के मालिक की पिटाई से ओला ड्राइवर हुआ था बेहोश। जयपुर में सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए टैंकर पर गिरा। हादसे में टैंकर ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। गुजरात में तला असना साइक्लोन का खतरा। अरब सागर से ओमान की तरफ बढ़ा तूफान। सौराष्ट्र कच्छ के तटीय इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। पोरबंदर में नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में भरा पानी।